हेलो हाय लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई रियली होप सो आप सब एकदम फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। तो बच्चों पार्टी, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। ये हमारा हिस्ट्री का 6 चैप्टर है और काफ़ी आसान सा चैप्टर है, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है, एंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है, लाइक अभी आप अपना फोन देख रहे हो एंड फोन में यू आर लाइक इन योर मोबाइल कि आप अभी लेक्चर देख रहे हो, ये आपके लिए एक एंटरटेनमेंट नहीं हुआ। ये आपको क्या है, ये आपका काम है, पढ़ना आपको है कि नहीं मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप इंजॉय करके पढ़ रहे हो, अगर आप इंजॉय करके पढ़ रहे हो, स्माइल के साथ पढ़ रहे हो, तो ये आपके लिए एक एंटरटेनमेंट हो गया। दैट मीन्स कि आप पढ़ भी रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो विद एन स्माइल, विद दी स्माइल, और आप खुश भी हो अंदर से। लेकिन अगर आपके लिए एक कोई भी फोन का कोई भी वीडियो अगर एक हेडेक हो जाता है, लाइक एक टेंशन वाला वीडियो हो, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एंटरटेनमेंट नहीं होगा। एंटरटेनमेंट इज दैट कि आप किसी भी चीज़ में मनोरंजन, हिंदी में अगर हम कहें तो मनोरंजन, जो भी चीज़ करके हम अगर खुश रहते हैं तो वो आपका क्या होता है, मनोरंजन। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो फ्री फायर खेलते होंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, मनोरंजन है उनके लिए। जैसे अगर आप कोई शोज देखते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, या फिर आप DID, या फिर बहुत सारे शोज होते हैं, अगर आप देख के खुश होते हो कि ओके ये तो मैं बहुत खुश हूँ, या फिर आप अगर स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, डांस करते हो, ड्रॉइंग करते हो, तो वो आपके लिए क्या है, एंटरटेनमेंट है। That means कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, या फिर कोई आपको और मनोरंजन कर रहा है। तो आज हम इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में पढ़ने वाले एंटरटेनमेंट के बारे में, मनोरंजन के बारे में, और उसकी हिस्ट्री के बारे में कि पहले के लोग कैसे खुद को मनोरंजन करते थे, दैट मीन्स कैसे खुद को इंटरटेन करते थे, एंड उस टाइम का एंटरटेनमेंट क्या था, ये आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, ये क्लास आपका वन शॉट वीडियो रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस हम सब वन शॉट में कवर कर रहे हैं। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, टाइम स्टैम्प दिया रहेगा टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है आप सिंपली उस टॉपिक पे क्लिक करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐसा दिया रहेगा टाइम स्टैम्प, आप उस टाइम पे क्लिक करना, आपके सामने वो वाली टॉपिक ओपन हो जाएगी। तो नो नीड टू वॉच एवरी टॉपिक, ठीक है, जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है वो टॉपिक तुम पढ़ना, ओके। चलो, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा कि व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, आखिर हमें मनोरंजन क्यों चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता है क्या, है क्या? हाँ है, हाँ है। हमेशा रूट स्ट्रेक, या फिर अगर कह लो कि हाँ मैं अकड़ू हूँ, या फिर कह लो कि मैं मूडी हूँ, वो हमेशा अगर आप रहोगे तो आप मेंटली फिट नहीं रहोगे, आप मेंटली फिट नहीं रहोगे, जिसकी कारण से आपको एंटरटेनमेंट तो चाहिए। हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट एंटरटेनमेंट होता है। तो क्यों हमें चाहिए एंटरटेनमेंट, ये हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, हेल्दी एंटरटेनमेंट ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी इज इनिशियस फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ वन पर्सनैलिटी। मतलब कि अगर आपको अपना पर्सनैलिटी ग्रोथ करना है, मतलब कि डेवलप करना है, तो आपको मेंटली एक अच्छा क्या एंटरटेनमेंट होना जरूरी है, हेल्दी एंटरटेनमेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी क्विज अगर आप खेलते हो, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, ठीक है, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो, एंड जब आप पार्टिसिपेट करते हो, वो गेम को पर्टिकुलरली खेलते हो, तो आप क्या होते हो, मेंटली और फिजिकली फिट होते हो। फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे हो खो खो, आपको क्या करना है, एक पार्टिसिपेट, दूसरे पार्टिसिपेट, तीसरे पार्टिसिपेट, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 9 पार्टिसिपेट्स है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको जो भी रनिंग पर्सन है उसे आउट करना है, क्या करना है, आउट। तो आप क्या करोगे, आप सोचो उस टाइम में, आप ये नहीं सोचोगे कि अरे मेरा ये चैप्टर बचा हुआ है पढ़ने के लिए, मैं ये पढ़ूंगा, ओके आज जा करके मुझे ये बात तो मम्मी को नहीं बताना है, मेरा रिजल्ट खराब आया है, आप उस टाइम में कुछ भी नहीं सोच रहे हो, बस आप इतना सोच रहे हो कि मुझे ये वाला जो प्लेयर है इसे आउट करना है। तो आप क्या कर रहे हो, आपका चांस आया, आप जाकर के दूसरे को खो
चलो उठो और भागो। तो आपका क्या है, वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो वहीं तक है, आपका कहीं पे भी माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है। यू आर जस्ट प्लेइंग एंड गेटिंग योर बॉडी रिलैक्स मेंटली एंड फिजिकली। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर आपका पर्सनैलिटी आपको अच्छा चाहिए, ग्रोथ मिलाना है, हेल्दी ग्रोथ चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, तो आपका एंटरटेनमेंट भी कैसा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। सेकेंड, एंटरटेनमेंट कीप्स आवर माइंड लाइवली एंड फ्रेश। एंटरटेनमेंट हमेशा हमारे माइंड को क्या रखता है, फ्रेश रखता है और लाइव रखता है, मतलब एक्टिव रखता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट मे ऑल्सो मेक अस फील फिजिकली मोर एनर्जेटिक, सो इवेंचुअली आवर इफिशियंसी एट वर्क इम्प्रूव। मतलब कि हम जब गेम खेलते हैं तो हम क्या होता है, फिजिकली और मेंटली एनर्जेटिक फील करते हैं, मतलब फ्रेश फील करते हैं। एंड उसके बाद हम कोई भी काम अगर हम करेंगे तो 100% के साथ करेंगे और हम उस काम में क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज, तो परस्यूइंग द हॉबीज एंड द गेम्स हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर आपकी हॉबी है बुक पढ़ना, अगर आपकी हॉबी है लाइक डांसिंग करना, अगर आपकी हॉबी है क्या कि स्केटिंग करना, तो अगर आप वो चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आप वो चीज़ रेगुलरली करते हो, तो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। क्यों कहते हैं कोई एक्सरसाइज करो, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारा मेंटली और फिजिकली बॉडी ठीक रहता है, एक्टिव रहता है, ठीक है, लेजीनेस फील नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को आप देखते हो कभी कभी आपके हाथ दुखते हैं, कभी कभी आपको बॉडी पेन होता है, तो दैट मीन्स एट दैट टाइम तुम्हारी बॉडी रेस्ट पे है एंड वो और रेस्ट ढूंढती है। मतलब कि एक बात तो जान लो कि हमारी बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसको जितना भी रेस्ट दो वो उतना रेस्ट ढूंढता है, ठीक है। ये नहीं कि अच्छा अभी इतना टाइम हो रहा है अभी रेस्ट कर लेता हूँ फिर मैं नहीं करूंगा, नहीं, जितना तुम बॉडी को रेस्ट दोगे वो उतना रेस्ट ढूंढेगा। तो एक तुम्हारे पास लिमिट होना चाहिए अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए। बॉडी रेस्ट मांगता है उसे देना चाहिए, बट जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है उतनी ही देनी चाहिए। तो ये बात लोगों को बहुत पहले पता चल चुका था कि व्हाई डू वी नीड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट हमें क्यों चाहिए, ये बात तो लोगों को इन 4 से 5 पॉइंट में लोगों को पता था, तो इसलिए वो भी हमें ये पॉइंट्स बताए हैं। चलो नेक्स्ट, इसकी इंडिया में एंटरटेनमेंट एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। अब इंडिया में एंटरटेनमेंट में क्या क्या हुआ करता था, तो एंटरटेनमेंट में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, ये जो दिवाली, दशहरा, ये सब जो फेस्टिवल्स आता है ना, लाइक आपके कोई भी फेस्टिवल्स हो गए, होली हो गया, तो ये जो भी फेस्टिवल्स आता है ये एक्चुअली हमें मेंटली और फिजिकली फिट करने के लिए आता है, ठीक है। हम उसमें इंगेज रहते हैं, हम कुछ करने का, क्रिएटिव करने का कोशिश करते हैं, तो वी आर जस्ट इंगेज इन दैट, और हमें एक थोड़ी हम नॉर्मल लाइफ से उस जोन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ नया करते हैं, ठीक है। जैसे आपके दिवाली में आप देखोगे, आपने सोचा होगा यस मुझे दिवाली में ये करना है, तो तुम वो सोच रहे हो एंड तुम्हें करना है, बट अब हमेशा लाइफ एक ही जैसा रहेगा, ओके सुबह उठो, पढ़ो 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 पढ़ो, कितना पढ़ो भाई, एक लिमिट होता है ना कोई चीज़ का। अब आप बेकार का बुक टेक्स्ट बुक खोल के बैठे हो, ओके पढ़ने को मम्मी ने बोला है चलो पढ़ते रहते हैं, अब आप बेकार का टेक्स्ट बुक लेके बैठे और उधर फोन भी आपका साइड में, तो ऐसा पढ़ना कोई पढ़ना नहीं होता है। तो फेस्टिवल्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें जो थी ये फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट थी सिंस एंशियंट टाइम, पहले के टाइम से ही, ठीक है। सो देर आर दी वराइड, बहुत सारे टाइप्स के एंटरटेनमेंट अवेलेबल थे एंशियंट टाइम से, और मॉडर्न टाइम में भी वो अभी तक है, मॉडर्न टाइम में भी, मॉडर्न पीरियड में भी अभी तक है। अभी तक हमारा स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक एंड ऑल्सो फेस्टिवल्स, आप क्या करते हो, इंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें हैं। म्यूजिक, बहुत सारे लोगों को सुबह ऐसा उठ के गायत्री मंत्र अगर वो सुन लेते हैं तो उनको माइंड उनका फ्रेश होता है, या फिर कोई भी आप लाइक डिवोशनल सॉन्ग सुन लेते हो, ठीक है, तो आपका माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है। कोई भी जिसको भी जो भी सॉन्ग मोटिवेट करता है अगर आप वो सुन लो तो आपको थोड़ा अंदर मोटिवेशन फील आता है, आपका माइंड थोड़ा फ्रेश होता है, ठीक है। तो सिंस ancient time festivals, sports and dance are very famous in India and as well as in other countries and as well as ki ye modern time mein bhi hai abhi tak ye hai।
तो एंटरटेनमेंट कितने टाइप के होते हैं? एंटरटेनमेंट का भी तो टाइप होता होगा, जरूर। तो एक दो एंटरटेनमेंट के टाइप है, एक है आपका एक्टिव एंटरटेनमेंट और एक है पैसिव एंटरटेनमेंट। वर्ड से ही तुम्हें समझ में आ रहा होगा, एक्टिव मतलब कि जब हम कुछ चीज करते हैं, जब हम कोई चीज करते हैं तो वो आपका क्या है, एक्टिव। मैंने आपको बोला ना, बॉडी आपका एक्टिव हो जाता है जब हम कोई भी चीज करते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, एक्टिव एंटरटेनमेंट। लाइक जैसे आप मेंटली और फिजिकली कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो, या फिर आप क्या करते हो, लाइक हैंडीक्राफ्ट क्रिएट करते हो, पार्टिसिपेट करते हो कोई भी स्पोर्ट्स पे, या फिर जैसे आपके स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता था, या फिर दिया जाता होगा कि वेस्ट मटेरियल को यूज करके तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव था थिंग्स बनाना है, तो वो जब तुम बनाते हो तो उससे तुम क्या हो, मेंटली और फिजिकली खुश हो, मेंटली और फिजिकली एक्टिव हो, मेंटली और फिजिकली क्या हो, तो गुड हो, ठीक है, अच्छे हो। बट अगर हम बात करें पैसिव की, तो मैं आपको आपको एक्टिव समझ में आ गया, जब जो भी चीज हम करते हैं मेंटली, दिमाग के थ्रू, हाथ और पैर का यूज करके हम काम बनाते हैं कोई भी चीज, या फिर करते हैं कोई भी चीज, लाइक डांस हो गया एंड आपके ड्राइंग्स हो गए, आप फिंगर्स यूज करके, माइंड यूज करके, अच्छा मुझे क्या बनाना है, आप वो बना रहे हो, तो वो भी आपका क्या हो गया, एंटरटेनमेंट का जोन हो गया। अब हम बात करते हैं जरा सा पैसिव, ये पैसिव एंटरटेनमेंट क्या होता है? तो पैसिव एंटरटेनमेंट वो होता है जो अभी बहुत बच्चे फ्री फायर खेलते होंगे, मतलब, या फिर बहुत सारे बच्चे अभी तारक मेहता बैठ करके देख रहे होंगे, या फिर बहुत सारे बच्चे अभी बैठ कर कोई डिफरेंट डिफरेंट शोज देख करके हंस रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई भी चीज आप व्यू करते हो, देखते हो, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स, जैसे क्रिकेट दे रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स के चैनल पे गए और वहां पर क्रिकेट देख रहे हो तुम, तो अगर तुम वो देख रहे हो, बस बैठ करके तुम फोन में अपना देख रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका पैसिव एंटरटेनमेंट हो गया, ठीक है, बस तुम देख रहे हो। बट वही चीज अगर क्रिकेट, लाइक विराट कोहली अगर वहां खेल रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, वो एक्टिव है, वो एक्टिव एंटरटेनमेंट कर रहा है, वो खुद को खेल के अपना खुद का बॉडी को एक्टिव रखा है, ठीक है। बट तुम क्या कर रहे हो, सेम टाइम पे उसे टीवी में देख करके क्या कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, एंड व्यू दैट इज योर पैसिव इंटरटेनमेंट, दैट इज योर पैसिव इंटरटेनमेंट। चलो सेकंड टॉपिक जो तुम्हारा है वो है फोक इंटरटेनमेंट। मतलब फोक इंटरटेनमेंट इज जैसे फोक डांस, कोई भी चीज जो ट्रेडिशनली हुआ करती है, कोई भी चीज जो ट्रेडिशनली क्लासिकली हुआ करती है, वो आपके फोक थिएटर हो गए, फोक हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, फोक, फोल्क। तो अब आप बात करते हैं थिएटर क्या होता है। थिएटर होता है आपका ड्रामा स्टेज, या फिर आप कह लो नाटक कला, या फिर आप कह लो कि लाइक आज के टाइम में जो सिनेमा है, सिनेमा में आप क्या करते हो, जाते हो, एक आपका प्रोजेक्टर होता है, वहां पे टीवी ऐसा मूवी चल रहा है और तुम बैठ करके देख रहे हो एंड खुद को इंजॉय कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि यू आर दी पैसिव एंटरटेनमेंट, आप क्या करो, पैसिव एंटरटेनमेंट कर रहे हो। बट सेम टाइम पे अगर वो पर्दे को, वो जो आपका प्रोजेक्टर है, उसे हटा दिया जाए और जो भी प्रोजेक्टर में हो रहा है, दैट जो भी चीज आपका एक कैमरा पे शूट किया गया है, अगर उसे फिजिकली वहां पे दिखाया जाए, फिजिकली वहां पे दिखाया जाए, दैट मीन्स चार पांच आदमी आकर के वो सेम चीज वहां पे करे, तो वो आपका थिएटर हो गया, दैट मीन्स कि उसे हम प्ले हाउस भी कहते हैं। थिएटर को हम क्या कहते हैं, प्ले हाउस भी कहते हैं, मतलब नाटक, नाटक घर भी कहते हैं। वहां पे जैसे पांच छह आदमी आते हैं और ड्रामा करते हैं, ड्रामा के थ्रू तुम सारी चीज सीन्स को समझते हो, वो कुछ एक्सप्लेन करते हैं, जैसे पहले आप देखते होगे क्या कि बहुत सारे लोग जो महाभारत कहीं पे चल रहा है वहां जाके देख रहे हैं, मतलब महाभारत का क्या चल रहा है, वो ऐसे कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं वहां पे जाकर के, बहुत सारे लोग ऐसे बैठ करके देख रहे हैं कि कुछ लोग एक्टिंग कर रहे हैं और कैसे कैसे रामायण में, महाभारत में हुआ था, वो सारी चीजें वो देख रहे हैं। तो दैट इज कि कोई अगर एक्ट करके बता रहा है, कोई बोल के बता रहा है, तो वो हमारा, वो एक जगह क्या हो गया, वो एक जगह हो जाता है हमारा थिएटर। तो पहले के टाइम में फोक थिएटर हुआ करता था, दैट मीन्स ये कैमरा शूट नहीं हुआ करता था, कैमरा शूट होकर के फिर लोग अपने लाइक प्रोजेक्टर पे देखते हैं, वैसा नहीं होता था, फोक थिएटर होता था, मतलब ऑन द स्पॉट हो रहा है अपना ड्रामेटिक, ठीक है, ऑन ऑन द स्पॉट थिएटर इंटरटेनमेंट हो रहा है और तुम बैठ करके फिजिकली देख रहे हो। चलो, रीशूट नहीं होता था, समझ गए, रीशूट नहीं होता था, तो वो आपका क्या हो गया, वो आप रीशूट जो नहीं होता है, वो आपका फोक थिएटर। तो सबसे पहले जो फोक थिएटर में आता था वो था पपेट्री।
मतलब वुडन के पपेट्स, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कठपुतली, कठपुतली मतलब कि एक क्ले का डॉल बनाया जाता था, एंड वो डॉल्स को क्या करते थे, आप देखते होंगे एक डॉल है ठीक है, ऐसे दो तीन डॉल ले लिए एंड उसको क्या करते थे, ऊपर से ऐसे रोप लगाते थे एंड वो रोप के थ्रू उसे क्या करते थे, रोप के थ्रू उसे एक्शंस करते थे ठीक है, रोप के थ्रू वो जो डॉल्स है वो एक्शन करती थी एंड पीछे से बैकग्राउंड से आवाज भी आ रही है और हमें लगता था वो डॉल तो नहीं बोल रहे, नहीं वो एक्चुअल में पीछे से आवाज आ रही है। तो वो क्ले का भी बनता था, वुडन का भी बनता था, लाइक आपके क्लोथ्स के भी बनते थे, बहुत टाइप की कठपुतलियां बनती थी। तो पहले के टाइम में ये कठपुतलियां का बहुत, कठपुतली का बहुत ही मेजर रोल है हरप्पन सिविलाइजेशन को फाइंड करने में, हरप्पन सिविलाइजेशन को फाइंड करने में, मतलब कि जब आर्कियोलॉजी फाइंड कर, आर्कियोलॉजी साइट्स पर देखा गया, आर्कियोलॉजी ने हरप्पन साइट्स पर जब विजिट किए तो वहां पे उन लोगों ने क्ले का डॉल्स बनाया हुआ देखा, और बहुत सारे मटेरियल का डॉल्स लाइक वुडन का, वूल, लेदर, हॉर्न्स, इनोवेरी, बहुत सारी चीजें उन्होंने देखा, पपेट्स टू यूज मेक दी पपेट, मतलब इन सारी चीजों का पपेट बनता था पहले, वुड, वूल, लेदर, हॉर्न्स, इनोवेरी, ये सारी चीजों का पपेट बनाया जाता था। एंड यही सारी चीजें हरप्पन सिविलाइजेशन में, मतलब जब आर्कियोलॉजी ने जब ऐसा खून खून के देखा ना, खोद खोद के, अच्छा क्या है अंदर, देखा कि ये सारी चीजें भी थी, तो मतलब वो लोग ने समझा कि अच्छा पहले के लोग ये सारी चीजें बनाते थे और इनके थ्रू ही वो खुद को एंटरटेन करते थे। तो कठपुतली काफी फेमस है, कठपुतली काफी फेमस है इंडियन स्टाइल में। तो दो स्टाइल में कठपुतली काफी फेमस है, एक है राजस्थानी स्टाइल में और दूसरा है आपका साउथ इंडियन रीजन्स में, साउथ इंडियन रीजन्स में, मतलब दो टाइप की कठपुतलियां बेसिकली इंडियन स्टाइल्स में दिखाई जाती थी, एक आपके राजस्थानी स्टाइल्स में और एक आपके साउथ इंडियन स्टाइल्स में। तो देख लो आप लोग, कठपुतली कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे कि रोप उसके ऊपर बंधा हुआ है एंड रोप के थ्रू वो मूवमेंट कर रही है, कोई ऊपर से उसे हैंडल कर रहा है एंड दैट मूवमेंट हो रहा है। आपको समझ में आया कठपुतली? सो फोक थिएटर में अगर हम बात करें, फोक थिएटर में अगर हम बात करें कठपुतली की, तो कठपुतली बहुत ही फेमस था आपके उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, इन स्टेट में कठपुतली का एंटरटेनमेंट काफी फेमस था, कठपुतलियां यहाँ पे बनती थी एंड यहाँ पे थिएटर भी हुआ करते थे जहाँ पे कठपुतली का शो होता था। तो एक जो मेजर रोल, जो प्ले किया जाता था बाय द नरेटर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूत्रधारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सूत्रधारा, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कठपुतली को क्या कर रहा है, स्टेज पे हैंडल कर रहा है, मतलब बैकग्राउंड से वो वॉइस दे रहा है एंड कठपुतली को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है उसे, लाइक अभी उनके हाथ हैंड को मूवमेंट करता है तो वो रोप को खींचेगा, रोप को खींचेगा, हैंड का मूवमेंट हुआ ठीक है। तो वो जो भी करते हैं वो नरेटर को क्या कहा जाता है, सूत्रधारा कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है आपके फिल्म द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट, कि स्टेज पे बहुत सारे क्वाइट स्मॉल पपेट्रीज भी होते थे एंड लाइट्स लगाई जाती थी पपेट्रीज पे भी ठीक है, एंड पपेट्रीज को ऐसे लाइट से भी यूज किया जाता था एंड ऑल्सो साउंड इफेक्ट से भी यूज किया जाता था, या फिर ऐसे, अब हुआ ये, तो मतलब कि साउंड के थ्रू भी इफेक्ट्स लाया जाता था, इन दी इग्नियस वे, इन दी इग्नियस वे, मतलब अगर हम बात करें इग्नियस वे की, इग्नियस क्या होता है, बहुत अभी कैसे है ना, बहुत सारे बच्चों को ना अगर मीनिंग ना बताओ तो उनको क्या लगता है, अरे मैम ये तो क्या है, ये क्या पढ़ाए हो आप, कुछ भी नहीं पढ़ाए हो ठीक है। तो इग्नियस का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि कोई एक साउंड इफेक्ट न्यू आइडियाज के थ्रू लाना, कोई भी चीजें जब हम न्यू आइडियाज लाते हैं कोई भी चीजों में, तो वो आपका क्या हो गया, इग्नियस वे हो गया, समझ में आया, या फिर यहाँ लिख भी दू, मेड ए न्यू आइडिया ठीक है। तो साउंड इफेक्ट्स में न्यू न्यू आइडिया, साउंड न्यू न्यू साउंड्स के थ्रू इफेक्ट्स लाया जाता था और पपेट्रीज को लाइट्स में फिर स्टेजेस पे शो किया जाता था। तो शेडो भी पपेट्स का बनाया जाता था एंड ऑल्सो हैंड पपेट्स, वुडन पपेट्स, स्ट्रिंग पपेट्स, ये सारी चीजें यूज हुआ करती थी इन दी कठपुतली।
यहाँ पे ये आपका कठपुतली का, देखो देखो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये लाइट्स भी इनमें, इनमें कलर्स भी किया गया है ठीक है, एंड फिर इनमें साउंड इफेक्ट्स बैकग्राउंड से लाया गया है इग्नियस वे में, मतलब न्यू आइडियाज के थ्रू साउंड वे लाया गया है कब कौन सा साउंड लाना चाहिए, एंड कोई नरेट भी कर रहा है, वो नरेट को हम लोग क्या कहते हैं, सूत्रधारा कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थिएटर की, तो वो अपना क्या है लाइक एक तो हमारा कठपुतली हो गया, दूसरा अगर हम फोक थिएटर में बात करें तो वो आपका हो जाएगा दश अवतार। दश अवतार, दश अवतार यहाँ पे आप देखोगे दो वर्ड यूज किया गया है, दश अवतार, दश दश अवतारा, दश अवतारा मतलब दश का मतलब हो गया दस, दस का मतलब दस, तो ये जो दश अवतारा थिएटर है इसका मतलब हो गया कि दस अवतार के जो रोल निभाए जाते थे थिएटर में उसे हम लोग कहते हैं दश अवतार थिएटर। और ये शोज काफी फेमस था, ये फोक थिएटर काफी फेमस था महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में, लाइक आपके कोंकण रीजन एंड ऑल्सो गोवा साइड के लोग पीपल्स जितने भी थे वो सीजन्स में जब हार्वेस्टिंग हो जाती थी, वो सीजन्स में हार्वेस्टिंग हो जाती थी उसके बाद ये शोज परफॉर्म किया जाता था, मतलब दस अवतार दिखाया जाता था। अब आप बोलोगे क्या चीज का मैम दस अवतार, क्या चीज का, तो आपको पता होगा कि दस अवतार विष्णु के दस अवतार थे, विष्णु के दस अवतार थे, कौन से अवतार थे, तो वो था आपका मत्स्य, मत्स्य, फिर आपका हो गया कोरमा, वराहा, देन इस नर सिम्हा, देन इस वा माना, देन इस परशु रामा, देन इस राम कृष्णा बुद्धा एंड दी काल्कि, ये दश अवतार किसके थे, विष्णु के। तो ये दश अवतार का रोल निभाया जाता था, रोल्स किया जाता था इन दी थिएटर जब कोंकण के या फिर आपके गोवा साइड के जो पीपल्स थे वो लोग का जब हार्वेस्टिंग हो जाया रहता था, सीजन्स में हार्वेस्टिंग हो गया रहता था, तब वो लोग ये नाटक प्ले करते थे ठीक है, खुद को इंटरटेन करने के लिए, मतलब कि उनका हार्वेस्टिंग हो गया, अपना काम हो गया है, अब वो लोग ने कुछ पैसे भी अर्न किए हैं और अब वो रिलैक्स के लिए वो क्या करते थे, दश अवतारा का थिएटर बनाते थे, एंड वहां पे वो विष्णु के दस अवतार, विष्णु का जो दस अवतार है उसका रोल प्ले करते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विष्णु के कितने अवतार हैं, तो कृष्णा राम ये सब भी विष्णु के ही अवतार है, राम जी कृष्णा जी ये सब आपके विष्णु के अवतार है, तो विष्णु के अवतार कितने हो गए, दस, मत्स्य, कुर्मा, वराहा, नृसिंह, देन इज वा मना, देन इज परशुरामा, राम एंड कृष्णा बुद्धा काल्कि, ये सब आपके विष्णु के अवतार है। और जब ये थिएटर में जो नरेटर है, जो आपके स्टार्ट करता है ठीक है शोज को, वो नरेटर को क्या कहा जाता था, वो नरेटर को सूत्रधारा कहा जाता था, सूत्रधारा कहा जाता था। और ये सूत्रधारा जब नरेट करते थे तो स्टार्ट कैसे करते थे, लॉर्ड कृष्णा का नाम लेते हुए, क्योंकि हम भी जब आप देखते होंगे बहुत सारे जो लाइक आप जब अपना व्हीकल ड्राइव करते हो आप अपने फादर को देखते होगे, या फिर जिनकी मदर भी ड्राइविंग करती है आप देखते होगे, जब भी कोई काम का जब हम करते हैं ना स्टार्ट करते हैं ठीक है, तो हम क्या करते हैं गणेश जी का नाम से स्टार्ट करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया या फिर जो भी एक गणेश जी का नाम लेकर के हम स्टार्ट करते हैं, तो वही पहले के नाटक जब भी स्टार्ट होते थे तो गणेश जी के नाम से स्टार्ट होते थे, पहला वर्ड यही कहा जाता था, पहला सेंटेंस। और दश अवतार में क्या देखा गया कि दश अवतार में ये जो दश अवतार बनाया जाता था डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, इसमें मेकअप्स होते थे, लोगों के कॉस्ट्यूम्स होते थे, अलग अलग सेट्स पे सबका अपना अपना ट्रेडिशन होता था, सबका अपना अपना ड्रेस होता था ठीक है, मोस्टली द म्यूजिक भी होते थे, डायलॉग्स होते थे ठीक है, सबके अपने अपने डायलॉग्स होते थे क्योंकि विष्णु जी का तो दस अवतार है, तो दस अवतार में सबका तो अपना अपना डायलॉग है, सब अपना अपना डायलॉग बोलते थे। और सब अब वो राम सच में तो नहीं बन सकते, बट वो क्या करते थे, राम के कॉस्ट्यूम्स पहनते थे एंड वो वुडन का मास्क लगाते थे, क्या करते थे, वुडन वुडन का मास्क लगाते थे ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा ये इसका अवतार है, ये इसका अवतार है, वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए वो वाला वुडन मास्क लगाते थे। ऑल्सो जब शोज एंड हो जाता था, मतलब कि अब दस अवतार हो गया,
वो थिएटर हो गया, अब कहानी खत्म। तो कहानी खत्म होती कैसी थी? तो कहानी खत्म होती थी कि जैसे कृष्णा जी का आपको पता होगा कि लॉर्ड कृष्णा को आप जानते होंगे क्रिसमाष्टमी, लाइक जन्माष्टमी जो होता है वो, उसमें दही हंडी होती है, दही हंडी को फोड़ा जाता है, उनको मक्खन खाना बहुत पसंद था, तो वो क्या हंडी को फोड़े थे। तो लास्ट का खत्म होती है किस पे? हंडी को फोड़ करके, एंड अर्थन पॉट कर्ड्स को, जो जो जिसमें दही को ऐसा जमाया जाता है वो फोड़ करके, एंड ऑल्सो आरती। लास्ट में हम जानते हैं कि हर एक, हम अगर देखते जाए तो आरती होती है, आरती लास्ट में होती है, एंड ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो गॉड्स के सॉन्ग्स को सिंग करके हम क्या करते, थिएटर क्या होता था, आखिरी मतलब आखिरी सीन था। तो आखिरी अगर जब होने लगता है कि अच्छा अब खत्म होने वाला है ये शो, तब होता था, दही हंडी होती थी, मतलब वहां पे दही को लाइक मक्खन को फोड़ा जाता था, या फिर आपके कर्ड्स को, कर्ड्स का जो बाउल है वो फोड़ा जाता था, आरती होती थी, और गॉड्स के गॉड्स का सॉन्ग भी सिंग होता था। ये समझ में आया आपको? ये सारे थिएटर्स तो हमने देख लिया कि अच्छा दश अवतार में ये सारी चीजें होती थी, विष्णु के दश अवतार थे, सबका अपना अपना रोल था, मास्क पहन के आते थे सबके, अच्छा ये है राम जी, ये कृष्णा, ये है मत्स्या, तो सबका अपना अपना एक रोल दिखाया जाता था, सब अपने अपने डायलॉग्स बोलते थे, लास्ट कैसे होता था आरती के, आरती से या फिर आपके दही हंडी करके। उस टाइम में जो 18th सेंचुरी में सबसे फेमस थे ये दश अवतार की, जो आर्टिस्ट जो सबसे फेमस थे वो कौन थे? वो थे श्याम जी नायक, श्याम जी नायक काले, काले श्याम जी नायक काले, ये आपके दश अवतार के आर्टिस्ट थे, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, एंड इनका काफी नाम महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में 18th सेंचुरी में ये थे जो काफी फेमस। ठीक है, तो इन्होंने दश अवतार में जो स्टार्ट किया था वो था फॉर्ड, वो क्या था? फॉर्ड, जिसे हम ट्रुप कहते हैं, जिसे हम अट्रुप कहते हैं। अट्रुप का मतलब हो गया कि एक ग्रुप ऑफ एक्टर। ठीक है, अब जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब आकर के ग्रुप में खड़े, तो दिस ये आपका क्या? या फिर हम जब बात करें अभी की, तो वो दश अवतार में आपने देखा होगा कि सबके दश अवतार थे, विष्णु जी के दश अवतार, तो विष्णु जी के दश अवतार अगर थे तो सब वो जो डिफरेंट डिफरेंट दश अवतार थे, ठीक है, वो आकर जब ग्रुप में रहते थे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अट्रुप कहते हैं, अट्रुप, या फिर आप कह लो अग्रुप, अट्रुप कह लो, या फिर अग्रुप कह लो, या फिर आप कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स कह सकते हो, ग्रुप ऑफ डांसर्स कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो, जो मर्जी। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे जो दश अवतारा आर्टिस्ट फेमस थे वो थे कौन? श्याम जी नाइक कले, एंड इन्होंने स्टार्ट किया क्या? फॉर्ड, फॉर्ड वर्ड याद रखना। विष्णुदास भावे जो काफी मराठी थिएटर के एक मिथोलॉजी उन्होंने बनाया था, कि अब हम क्या करते हैं दश अवतार को थोड़ा मॉडिफिकेशन लाते हैं, इनमें साउंड इफेक्ट्स लाते हैं, एंड ऑल्सो लाइक अप लाइटनिंग लाते हैं, ये सारी चीजें जो एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए थिएटर में, वो किसने लाया, वो किसने लाया दश अवतारा में? तो वो थे विष्णुदास, ही वॉज विष्णुदास। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे दश अवतारा आर्टिस्ट विच यूज परफॉर्म ऑल ओवर दी महाराष्ट्र, हु वाज दी फेमस दैट, तो दैट इज श्यामजी नायक काले। बट अगर क्वेश्चन आ गया कि मॉडिफिकेशन, दस अवतारा के स्टाइल के मॉडिफिकेशन में किसने चेंजेस लाया, तो वो कौन थे? विष्णुदास भावे, विष्णुदास भावे। समझा आपको यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दश अवतार थिएटर क्या हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फोक थिएटर में भी आता है, वो है भजन। भजन ये आपको पता होगा, और डिवोशनल सॉन्ग्स इसमें गाए जाते हैं, माता का जगरात्रा है, तो वो आपका क्या होगा? वो भी आपका एक टाइप का भजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भजन गाया जाता था, जहाँ पे लोगों गॉड्स का, गॉड्स को, गॉड्स के प्रेजेस जो होते हैं, सॉन्ग सिंग सॉन्ग्स होता है, वो सारी चीजें होती थी। ऑल्सो जो हरे कृष्णा हरे रामा, वो जो चैंटिंग होती है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो वो गॉड का चैंटिंग भी किया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती थी, एंड ऑल्सो इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो कौन सा था? ताल, ताल, ताल होता है ना, आप देखते होंगे जब आप हरे कृष्णा हरे हरे रामा, तो एक ताल में होता है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे रामा, तो वो कहता है एक ताल में होता है। ठीक है, जब हरे कृष्णा हरे रामा, तो ये वो भी एक ताल में होता है। मृदंग में भी होता है, तो ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट का टाइप्स है, लाइक आपके ताल, मृदंग,
देन इज आपके पखावज, ये सब किसमें आता है, भजन के इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो भजन का कितना टाइप है, तो भजन के दो टाइप है, ठीक है। जैसे आपने इंटरटेनमेंट में दो टाइप देखा था, एक्टिव और पैसिव, वैसे भजन में भी दो टाइप है। दैट इज, एक है आपका चक्री भजन और एक है आपका सोंगी भजन। तो चक्री भजन क्या हो गया कि डिवोटर्स कीप मूविंग इन सर्कुलर फैशन, सर्कुलर फैशन में एंड सिंग्स विदाउट ब्रेकिंग। तो जब आप, जब कोई भी लाइक एक कोई भी ए पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट, एंड वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक ही मोशन में वो लोग सिंग करके गोल गोल घूम रहे हैं, एक ही मोशन में गोल गोल घूम रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं, मतलब गा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, चक्री, चक्री मतलब कि गोल गोल, चक्री मतलब कि गोल गोल घूम रहे हैं एंड सॉन्ग्स को गा रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। देन इस, एक आपका हो गया सोंगी भजन। सोंगी भजन क्या हो गया, जहाँ पे सिंगर्स आते हैं गाते हैं, ठीक है। कोई एक गाता है और उसके पीछे पीछे सब गाता है, तो वो आपका क्या हो गया, सोंगी भजन, मतलब सबके संग वो भजन गाया जाता था। तो ये आपको समझ में आ गया कि भजन के कितने टाइम हो गए। देन इस, अच्छा किसी को मुझे पता है ये चीज कि चक्री भजन आप लोग को अच्छे से पता होगा, अगर याद है कि लाइक हम देखते हैं गणपति के टाइम में एंड ऑल्सो आपके नवरात्रि के टाइम में ये होता है, ठीक है, चक्री भजन। तो कौन सा सॉन्ग होता है वो जरा सा ऐसा कमेंट में बताना मुझे, जिस भी बच्चे को ऐसा पता हो, नहीं तो मैं खुद आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो पहले मुझे देखने देते कि ये होता है, ठीक है। मेरे को याद है अच्छे से कि लाइक गणपति विसर्जन, गणपति का जब आरती होता है उसके बाद होता है एंड नवरात्रि के टाइम में भी होता है ये। कौन सा सॉन्ग है ये मुझे बता दा, ऐसा आप वर्ड लिख सकते हो इन दी कमेंट। चलो तो तुका दोजी महाराज जो, ये काफी फेमस थे किस चीज के लिए, भजन के लिए, भजन के लिए। और इन्हें क्या कहा जाता था, नोन फॉर कांजिरी, कांजिरी भजन, ये कांजिरी भजन के लिए काफी फेमस थे। तो हु वाज फेमस फॉर दी कांजिरी भवन, दैट इज तुकादुजी महाराज। तुकादुजी महाराज वाज फेमस फॉर दी भजन, दैट इज कांजिरी भजन, दैट इज कांजिरी भजन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर इन द बैंक्स में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक यहाँ पे कोई भी सिंगर बैठा है, ये गा रहा है, उसके पीछे पीछे सब गा रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, सोंगी भजन। तो जो काफी फेमस भजन था एंड भजन के लिए माने जाते थे वो थे अपने को तुका दोजी महाराज। एंड इन, ये भजन के लिए वेल नोन थे, कौन से भजन के लिए, कांजरी भजन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भजन, अब हम देखते हैं भजन का नेक्स्ट की भजन कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस था। तो भजन आपके नॉर्थ इंडियन में काफी भजन फेमस थे, नॉर्थ इंडियन में काफी भजन फेमस थे, जो संत तुलसीदास एंड ऑल्सो जो ग्रेट पोएट थे शुद्रास के, एंड ऑल्सो संत मीराबाई, संत कबीर, ये सबका सॉन्ग्स आप देखोगे तो काफी पॉपुलर था एंड भजन हुआ करता था इन लोगों का, नॉर्थन इंडिया में। नॉर्थन इंडिया में तुलसीदास एंड ऑल्सो संत मीराबाई, संत कबीर, ये सबका काफी भजन फेमस था इन दी नॉर्थ इंडियन। एंड जो कंपोजिशन हुआ था वो था आपका पुरंदरस कनकदास, देन इज विजयदास, देन इज बोधिंद्र गुरुस्वामी और आपके त्यागा राज। ये कुछ सॉन्ग्स थे लाइक आपके जो भजन थे ये कुछ फेमस थे आपके कर्नाटका साइड में, मतलब साउथ इंडियन साइड में। ओके सो इन दी गुजरात सन्स लाइक नाराशी मेहता एंड गिव अ मोमेंटम टू दी भक्ति मूवमेंट। गुजरात में जो भक्ति मूवमेंट लाया गया था उसमें हु वाज द पर्सन हु गेव दी भक्ति मूवमेंट इन गुजरात, दैट इज द संत नाराशी। और महाराष्ट्र में संत नामदेव काफी फेमस थे और इन्होंने भी भजन कीर्तन को काफी ट्रेडिशन वे में लाइक आप कह सकते फेमस किया इन दी महाराष्ट्र, दैट इज वाराकरी सेक्ट। सो वाराकरी सेक्ट डेवलप्ड हुआ था आपके ग्लोरियस ट्रेडिशन में भजन एंड कीर्तन। वाराकरी
काफी एक फेमस आपका ट्रेडिशन फॉलो किया गया था इन दी भजन एंड कीर्तन। सो जगह आप दे सकते हो यहाँ पे कि आपके स्टेट वाइज आप यहाँ पे दिखाया गया विच वॉज फेमस मूवमेंट या फिर किसने दिया और कौन सा था। लाइक आपके गुजरात में जो भक्ति मूवमेंट के लिए भजन के लिए जो फेमस थे वो थे आपके संत नाराशी मेहता और आपके संत नामदेव, या आपके लाइक महाराष्ट्र के जो भजन कीर्तन जो हुआ करते थे वाराकरी, उस पे उसके लिए फेमस माने जाते हैं। ओके, तो ये आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि लाइक आपके नॉर्थ इंडियन से कौन सा कौन से किसने कौन से संत थे जो कंपोज किए भजन्स को। तो नॉर्थ इंडियन से कौन से थे, संत तुलसीदास एंड आल्सो ग्रेट पोएट सूरदास, ठीक है, सूरदास एंड आल्सो आपके संत मीराबाई एंड आपके संत कबीर। फिर आप कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में आपका पुरंदर दास एंड आपके कानक दास एंड आपके विजय दास, फिर आपके भोरेंद्र भोरेंद्र गुरु स्वामी, देन इस त्यागीराज, ये सब फेमस थे कहाँ पे, कर्नाटका में। गुजरात की जब हम बात करें तो गुजरात में भक्ति मूवमेंट जो लाया गया बाय दी संत नाराशी, एंड महाराष्ट्र में फेमस थे संत नामदेव, दैट इज फेमस फॉर दी भजन एंड कीर्तन ट्रेडिशंस ऑफ वारानारी वाराकरी। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं भजन की, तो की अब कीर्तन की बात करते हैं। तो कीर्तन बेसिकली आपके जो कंपोज किया कीर्तन के लिए जो फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, वो कौन है, वो है आपने नारद मुनि, नारद मुनि। सो दैट इज नारायण, नारायण ये आपको पता होगा, ठीक है। तो नारद मुनि फेमस थे कीर्तन के लिए, संत नामदेव, ओके, तो संत नामदेव फेमस थे फॉर द फर्स्ट कीर्तन ऑफ महाराष्ट्र। तो संत नामदेव इज नोन फॉर दी कृतनारकर कीर्तनकर, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए काफी वेल नोन पर्सन है वो। एंड नारायण, नारायण जो हम सुनते हैं कहते हैं वो नारद मुनि ने शब्द, ठीक है। सो काफी संत है जिन्होंने ट्रेडिशन को फ्लोरिश किया, जैसे हम कीर्तन माना जाता है वेल नोन फॉर दी हरिदास, या फिर हम कह सकते हैं काटेकारी बुआ, एंड आल्सो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो वो इंस्ट्रूमेंट लेकर के वो चलते थे, ड्रेस वैसे पहनते थे, ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, एंड आल्सो हम कह सकते हैं कि ही वो ट्रेन में ही तब जाते थे, ठीक है, ट्रेन में ही सफर करते थे, वहां पे ऑरेटरी के थ्रू सिंगिंग म्यूजिकली के साथ, डांस के साथ, ह्यूमर के साथ आप देखते होंगे कि वो फॉलो करते थे, ठीक है। आप देखते होंगे कभी कभी ग्रुप में लोग चलते हैं अपने जो भी उनका इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का वो लेकर के, और भजन कीर्तन करते हैं, मतलब सॉन्ग्स को सिंग करते हैं, डांस करते हैं। तो आप तो ये सारी चीजें हो गई आपकी क्या, कीर्तनकर में आ गई, मतलब कीर्तन में आ गई। एंड ऑल्सो लाइक ही नीड्स टू वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, कीर्तन इज परफॉर्म्ड इन द टेम्पल, एंड ऑल्सो आप कह सकते हो कि टेम्पल में भी कीर्तन हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ये है, एक बच्चा कोई भी सॉन्ग गा रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके पास है, तो ये आपका एक कीर्तन का टाइप हो गया है, ये आपका एक कीर्तन का टाइप हो गया। तो कीर्तन तुम लोग को पता है, बस इतना याद रखना हु वाज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ कीर्तन कीर्तना ट्रेडिशन एंड कौन थे फर्स्ट महाराष्ट्र के कीर्तनाकर, ये चीज बस याद रखना, ठीक है, बाकी तो तुम कीर्तन का लिख ही लोगे। अब हम बात करते हैं ललित के बारे में। तो ललित भी एक टाइप का आपका क्या है, फोक थिएटर हो गया, ठीक है, ये भी आपके फोक थिएटर में आता है। सो ललित इज एन ओल्ड एंटरटेनमेंट इन महाराष्ट्र, एक ललित एक सबसे पुराना क्या है मेथड है, लाइक लोग को इंटरटेन भी हुआ करते थे महाराष्ट्र में थ्रू दी ललित। ललित ज्यादातर आप देखोगे पॉपुलर है गोवा में एंड कोंकण एरिया, में इट बिलोंग्स टू दी ट्रेडिशन ऑफ नारद्य कीर्तन, से ही ये फेमस हुआ है आपके ललित, ठीक है। ड्यूरिंग दी परफॉर्मेंस ऑफ दी ललित ऑन दी ओकेजन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल, जब भी कोई रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करता था महाराष्ट्र में एंड स्पेशली दी कोंकण एंड दी गोवा साइड, तो ललित हुआ करता था। एक्चुअल में ललित में क्या होता था ना कि ये लोग एक प्रॉपर वी कैन से
सेंटेंसेस बोले जाते थे ललित में, जो काफी कंपलसरी था, ठीक है, लेकिन से कि ललित में ये सेंटेंसेस ही हुआ करता था। लाइक लेट एवरीबडी बी ग्रांटेड दैट डिजायर, हर किसी को अपने डिजायर को ग्रांटेड करना चाहिए। ऑल्सो लेट इंटायर विलेज लिव इन हैप्पीनेस, हर हर जितने भी इस विलेज में लोग हैं सबको अपनी खुशी के साथ खुशी में रहना चाहिए, ठीक है, एंड ऑल्सो खुशी के साथ ललित में परफॉर्म करना चाहिए। सो लेट द इंटरनल क्लैशेस अगर किसी का है, किसी के साथ किसी को अगर दुश्मनी है, तो इस ललित में सब क्या करने, वैनिश कर दो, मतलब सब समाप्त कर दो, दुश्मनी समाप्त करो और सब एक साथ रहो। लेट नोबडी माइंड एक्सप्लॉयट विद देयर प्री जज, मतलब किसी को भी होती है ना, कुछ लोग होते हैं जो पहले ही जज कर लेते हैं, खराब जज कर लेते हैं, वैसे ये सारी चीजें आप करना बंद कर दो और सब एक साथ रहो। लेट ऑल दिस ट्रांजेक्शन हैपेंस विद द क्लियर माइंड, हर ये सारी चीजें हम अपने तन और मन से बोलते हैं, तो ये एक कम्युनिकेटी थी वहां की, ठीक है, लोग जो वहां पे ग्रुप्स ऑफ पीपल थे वो ललित में ये कहा जाता था। तो आप लिख सकते हो, अगर ललित का आपका शॉर्ट नोट आया तो ये वाला जो पैराग्राफ है ये जरूर लिखना, कि सेंटेंसेस क्या बोला जाता था ये आप जरूर लिखना, ठीक है। तो स्टोरीज जैसे आपके कृष्णा रामा एंड ग्रेट डिवोटर्स के जो थे वो परफॉर्म किया जाता था ललित में। तो ललित में आपके बेसिकली आप देखने जाओगे तो कृष्णा का, रामायण का आप देखोगे, राम का, एंड बहुत सारे जो ऐसे डिवोटीज जो थे उनका रोल्स परफॉर्म किया जाता था ललित में, ठीक है। एक मिनट, ओके, तो ये सारी चीजें क्या होती थी, थिएटर में परफॉर्म की जाती थी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भरूड। भरूड भरूड ये एक आपका स्पिरिचुअल था, इसको थोड़ा समझना कि लाइक भरूड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दी मेटाफॉर्मिकल सॉन्ग दैट हैज स्पिरिचुअल एंड दी इथिकल लेसन। भरूड एक्चुअल में जो परफॉर्म किया जाता था स्पिरिचुअल और इथिकल लेसन्स देते थे इसमें, इसलिए इसको परफॉर्म किया जाता था ताकि लोगों को स्पिरिचुअल और इथिकल नॉलेज होना चाहिए। सो भरूड इसका कंपेरेबल टू दी स्टाइल ऑफ रोड शो, ये एक रोड शो के लिए फेमस था, मतलब यहाँ पे जो लोग थे ये थिएटर में नहीं बल्कि रोड शोज किया करते थे, एंड ये रोड शोज पे स्पिरिचुअल और इथिकल के लेसन दिया करते थे लोगों को, इन रोड शो के थ्रू ये लोगों को स्प्रेड करते थे स्पिरिचुअलिटी एंड आल्सो द इथिकल लेसन्स। ओके, सो भरूड कंपोज्ड, सबसे पहले जो भरूड कंपोज्ड हुआ था एंड पॉपुलर हुआ था महाराष्ट्र में लाइक वाइड रेंज में, ठीक है, वो किसने किया था, संत एकनाथ ने किया था। किसने किया था भाई, संत एकनाथ ने किया था। इन्होंने काफी फेमस किया था भरूड को, लाइक ये जो रोड शोज है जिसमें हम स्पिरिचुअल और इथिकल वे में जो लेसन्स दे रहे हैं, ये एक वाइड रेंज में काफी फेमस हुआ था, जिसमें ड्रामा भी होता है और लेस रिदम होता है, देन इज ह्यूमर भी होते हैं, मतलब एक लोगों को जो बताया जाता है वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बताया जाता है, कुछ नॉलेज दिया जाता है, इथिकल चीजें बताई जाती है। तो संत एकनाथ ने भरूड को कंपोज किया था ताकि लोगों के पास एक एजुकेशन पहुंच सके, एंड वैरायटी वो भी एक लाइक वेरियस एस्पेक्ट जो उनका लाइफ का, जिंदगी का, वो उन्हें पता होना चाहिए, बेसिक एस्पेक्ट्स तो उन्हें पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका भरूड। अब हम बात करते हैं तमाशा। तमाशा क्या होता है, तमाशा क्या होता है, ये मूवी नहीं होता, ठीक है, तमाशा की मूवी की बात नहीं की जा रही है। तमाशा इज लाइक कि जब आप देखते हो कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा परफॉर्म किया जा रहा है, आप देखते हो कुछ गर्ल, एक गर्ल्स रोप पे ऐसा डांस कर रही है, ठीक है, तो ये सब भी एक तमाशा हो गया, जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल आकर के ऐसा मिल रहे, ग्रुप बना रहे और वहां पे खड़े हैं एंड वो सारी चीजें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और उसके थ्रू हमें कुछ पता चल रहा है कि कुछ नॉलेज भी गेन हो रहा है, या फिर हमें पता चल रहा है कि ऐसा भी सोसाइटी में हुआ करता है। सो तमाशा एक्चुअल में जो वर्ड है ये है पर्शियन वर्ड। पर्शियन वर्ड तमाशा का मतलब होता है प्लीजिंग साइट, प्लीजिंग
साइट होता है, मतलब आप कुछ भी चीजें देखते हो अच्छे मन से देखते हो, लाइक प्लीजिंग, देख करके अच्छा लगता है वो साइट को, ओके व्यूज को. सो तमाशा डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट. तमाशा को एक इंडिपेंडेंट आर्ट कहा गया है कब, 18 सेंचुरी में. एंड आल्सो ये इसको फोक थिएटर में भी परफॉर्म किया जाता था और क्लासिकल आर्ट में भी इसे ऐड किया गया है. सो देयर आर दी टू टाइप ऑफ ट्रेडिशनल तमाशा. दो टाइप के ट्रेडिशनल तमाशा होते हैं, एक होता है संगीत भारी और एक होता है ढोल ढोलकीचा पार. तो ये दो टाइप के आपके क्या हो गए, आपके लाइक ट्रेडिशनल तमाशा हो गया, ठीक है. सो डांस और म्यूजिक जो है ये इम्पोर्टेंट है किसमें, संगीत भारी में. संगीत भारी में संगीत, जहाँ पे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, संगीत मतलब सॉन्ग्स के थ्रू. तो ये आपका क्या होगा, इसमें म्यूजिक और डांस तो होना ही है, जिसके थ्रू लोगों के पास नॉलेज कुछ भी इंपॉर्टेंट लेसन पहुंचता था या फिर लोग देख करके उसे इंटरटेन होते थे. सो आप देखते होंगे जब भी ये शोज स्टार्ट हुआ करता है, तमाशा शो स्टार्ट हुआ करता था, तो लॉर्ड गणेश के नाम से स्टार्ट हुआ करता था, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं. गणेश के नाम से ये स्टार्ट होता है, गणना या तो ऐसे करके स्टार्ट होता है, ठीक है. देन इज प्रेजेंटेशन जिसमें हुआ करता था, वो होता था गवालन के थ्रू, ओके. और सेकेंड पार्ट जो है तमाशा का, वो प्रेजेंट हुआ करता था वाघ के थ्रू. क्या होता था, वाघ के थ्रू. सो दी पॉपुलर प्लेस लाइक दी विच्छा माजी पूरी करा, मतलब जो भी इच्छा है मेरी वो पूरी करो. ऑल्सो गाड़वा चाल लगना, मतलब कि डोंकी का शादी. तो ये सब एक मॉडर्न तमाशा हुआ करता था. ये शोज एक बनाए जाते थे, इसमें स्क्रिप्ट लिखा जाता था और इसके थ्रू ही लोगों के सामने प्रेजेंट होता. तो ये कुछ पॉपुलर फेमस थे, विच्चा माजी पूरी करा और गाड़वा चे लग्न, मतलब डोंकीज मैरिज. तो वो क्या होते थे, ये सब मॉडर्न टाइप का क्या है, तमाशाज. मॉडर्न टाइप का क्या है, तमाशाज था, ओके. समझ में आया, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है. वाघ मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा हो रहा है, वाघ मतलब क्या होता है, तो इट्स स्मॉल पार्ट पार्ट वाइज जो बताया जाता है सॉन्ग्स के थ्रू, स्मॉल पार्ट वाइज सीन्स बताए जाते थे क्लास वाइज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लास वाइज. चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट जो है फोक थिएटर का, वो है हमारा फोवड़ा. फोवड़ा तो फोवड़ा आप देखो, फोवड़ा सिंपल भाषा में अगर हम देखने जाए तो फोवड़ा एक ना क्या है कि जिसमें पोइट्री के थ्रू क्या हुआ होते थे, लोगों लोगों तक वो हिस्ट्री को बताया जाता था, पोइट्री के थ्रू बताया जाता था. एंड डिफरेंट डिफरेंट लोग थे जो उसमें ड्रामेटिकली शो करते थे, ठीक है. और उसके बाद उनका बताया जाता था कि उस टाइम में ऐसा हुआ करते थे, कैसी उनकी लाइफ स्टाइल थी और क्या क्या चीजें हुआ करती थी. लाइक अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज की जब हम बात करें, तो उनका उनकी जो लाइफ स्टाइल थी उस टाइम में, जो स्टोरी थी उनकी, वो पूरा रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है. बालड भी जिसे हम कहते हैं, पोवाड़ा को बालड भी कहते हैं, ठीक है. तो वो एक पोइट्री के थ्रू लोगों तक स्टोरी को लाना एंड लोगों तक मैसेजेस को पहुंचाना, लोगों तक बताना कि अच्छा ऐसे हुआ करता था. लाइक महाभारत, महाभारत का मैंने बताया था, रामायण महाभारत, पहले ऐसे थिएटर में ऐसे शोज करते थे ताकि बताया जाए कि ऐसे रामायण में ये आर्टिस्ट थे. एंड आई वी कैन से कि ये इनका रोल था, यार ये राम जी थे, ये लाइक लक्ष्मण थे, ये सीता माता थी, तो सबका ये रोल बताया जाता. तो वैसे आपके पोवाड़ा में भी थे, ठीक है. तो पोवाड़ा में बेसिकली महाराष्ट्र के, अगर हम महाराष्ट्र की सिर्फ हम बात करें, तो वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की स्टोरीज बताई जाती थी, ठीक है. इंस्पायरिंग स्टाइल्स उनकी बताई जाती थी, बिकॉज वी नो कि हाउ मच इम्पोर्टेंट वॉज द छत्रपति शिवाजी महाराज फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, ये हम सबको पता है. चलो अगर हम बात करें कि लाइक नरेट किया गया था, जैसे अफजल खान ने जो लाइक अगर हम बात करें इसकी हाँ, अगर हम बात करें सिम्हागढ़ की, ठीक है, जहाँ पे शिवाजी महाराज को मारने के लिए अफजल खान आए थे, तो
वो स्टोरीज को भी बताया गया था, ठीक है, वो स्टोरीज के थ्रू, दैट इज पौवाड़ा के थ्रू लोगों तक बताया गया था। और भी काफी तुलसीदास ने क्या किया था, काफी उन्होंने पौवाड़ा को परफॉर्म किया था, लोगों तक पहुंचाया एग्जाम्पल्स के थ्रू। एंड ऑल्सो पौवाड़ा को लोग ब्रिटिश के भी पीपल्स जो, तो ब्रिटिश लोग जो थे वो भी काफी उन्हें सपोर्ट किए कि हाँ ये पौवाड़ा के थ्रू हम लोगों को तक मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, उनके तक हिस्ट्री को पहुंचा सकते हैं, उनके तक जो भी चीजें हुआ करती थी उन्हें पहुंचा सकते हैं। तो देर आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज एंड ऑल्सो जो नरेट जिसने किया है, लाइक दी उमाजी नायक, चापेकर ब्रदर एंड महात्मा गांधी, ये सब कंपोज किए थे जो ब्रिटिश के पोवाड़र्स थे, ठीक है। ड्यूरिंग दी संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट मूवमेंट दी पोवाड़ा वर्ड यूज्ड मीडियम ऑफ क्रिएटिंग दी पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस लाने के लिए, मतलब ये संयुक्त महाराष्ट्र जो एक मूवमेंट था उसे लाने के लिए ये रोल प्ले, मतलब ये आप कह सकते हैं थिएटर किया गया था, पोवाड़ा को लाइक फोक थिएटर में लाया गया था। एंड इनके इसके थ्रू पोवाड़ा के थ्रू आपके लोगों तक पब्लिक अवेयरनेस लाई गई थी, पब्लिक अवेयरनेस लाई गई थी। तो ये आपका यहाँ हुआ पोवाड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें अब हम नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, मराठी थिएटर। चलो, मराठी थिएटर में ना, लाइक मराठी थिएटर की हम क्यों अगर बात करें, तो क्योंकि हम स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हमें मराठी थिएटर ही पढ़ना है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलो, तो मराठी थिएटर में देखते हैं कि जो भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, वी ऑल नो कि उसमें कोई डायरेक्टर थे, कोई आर्टिस्ट थे, कोई मेकअप आर्टिस्ट थे, तो कोई लाइक जो कस्टमर्स के जो क्लोथ हुआ करते हैं, जो आर्टिस्ट के जो क्लोथ थे उनके भी आर्टिस्ट थे, तो स्टेज परफॉर्म किया जाता था, ये सारी बैकएंड में चीजें हुआ करती थी, लाइट अरेंजमेंट, ऑडियंस कैसे आते थे बैठते थे, ऑडियंस के लिए क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, ये सारी पहले बैकएंड में, ये सारी चीजें पहले हुआ करती थी, बैकएंड में अरेंज किया जाता था। ऑल्सो म्यूजिक और डांस काफी फेमस था ड्रामा के लिए, ड्रामा में म्यूजिक और डांस तो होना ही था, डायलॉग्स भी बोले जाते थे, लाइक आप जानते हो काफी फेमस फैमिली, दैट इज भोसले फैमिली, वहां पे उनके ड्रामा जो उनकी फैमिली के बारे में जो जो भी चीजें हैं उनको प्रेजेंट करना, ठीक है, संस्कृत में अगर कोई भी चीजें हैं तो उसे हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट करके बताना, क्योंकि लोगों तक संस्कृत भाषा अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसे ट्रांसलेट करके बताना, ठीक है, ये सारी चीजें हुआ करती थी मराठी थिएटर में इन दी 19th सेंचुरी। इन दी 19th सेंचुरी जैसे सीता स्वयंवर हुआ था रामायण में, तो वैसे सीता स्वयंवर का भी रोल प्ले किया गया था, फर्स्ट रोल प्ले किया गया था आपका मराठी थिएटर में, ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे बताई जाती थी, ऐसे किया जाता था, ठीक है। तो अगर हम बात सो इन दी लाइक विष्णुदास भावे, इन्होंने ये सबसे पहले फादर माने जाते थे, ठीक है, मराठी थिएटर के लिए, एंड इस इन्होंने ही सीता स्वयंवर का पहला रोल प्रेजेंट किया था मराठी थिएटर में, मराठी थिएटर में। चलो, मराठी थिएटर की अगर हम नेक्स्ट बात करें कि मराठी थिएटर के लाइक स्क्रिप्ट, पहले स्क्रिप्ट नहीं हुआ करता था, बाद में स्क्रिप्ट भी आया। अब ये स्क्रिप्ट किसने लाया, हु रोट दी स्क्रिप्ट, तो विजय कृत्ने ऑथर थे, इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा फॉर दी थोराले माधव राव पेशवा इन दी 1861। और ये सबसे पहला स्क्रिप्ट था जो आपका प्रिंट हुआ था, ये सबसे पहला स्क्रिप्ट था जो प्रिंट हुआ था। आज के डेट में जो मूवीज बनती है, सबसे पहले एक्टर एक्ट्रेस को क्या किया जाता है, स्क्रिप्ट दिया जाता है, स्क्रिप्ट पढ़ के वो देखते हैं कि हाँ हमें ये रोल करना है या फिर नहीं करना है। तो वो भी स्टार्ट हो गया था महाराष्ट्र में मराठी थिएटर में। सो इन लेटर हाफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के जब आधे आए तब बाल कृष्णा बुवा, इचाल करंजीकर, ये दोनों ने मिल करके जो आपके थिएटर में जो शोज हुआ करते थे उसमें म्यूजिक को लाए, ठीक है, मराठी थिएटर में इन्होंने इन दोनों मिल करके म्यूजिक को लाए, ठीक है, ताकि लोगों को और वी कैन से कि इंटरेस्ट आए, ठीक है, उनका एक अटेंडेंस होना चाहिए, उनका लाइक वी कैन से कि प्रेजेंस होना चाहिए, उनको भी अच्छा लगना चाहिए, तो ये सारी चीजें डेवलपमेंट हुई बाद में। ओके, आफ्टर आफ्टर हिम आफ्टर हिम जो नेक्स्ट आए वो थे हमारे उत्तदास अद
अलादिया खान एंड उतास अब्दुल करीम खान, उत्तास रहीमत खान, ठीक है, ये सब सारे लोगों ने काफी एफर्ट डाला इन दी मराठी थिएटर एंड इसे म्यूजिकल के थ्रू प्रेजेंट किया, ठीक है, म्यूजिकल के थ्रू, क्लासिकल म्यूजिकल के थ्रू ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया ताकि लोगों का रिटेंशन बना रहना चाहिए, लोगों का इंटरेस्ट बना रहना सो वी कैन से दैट दी ये म्यूजिकल काफी रिजल्ट लाया मराठी थिएटर में एंड मराठी म्यूजिकल प्लेज जो मनाए माने जाते थे लाइक दी किलोस्कर मंडली बिकम वेरी पॉपुलर। किलोस्कर मंडली जो एक मंडली थी, ठीक है, ग्रुप थी, ये काफी फेमस हो गई महाराष्ट्र में। अगेन चल मराठी थिएटर, अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लाइक पॉपुलैरिटी की, जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन थे जो फेमस थे मराठी थिएटर में, लाइक संगीत शकुंतल, ये काफी फेमस थे राइटर, ठीक है, ये फेमस थे फॉर दी नाना साहेब किर्लोस्कर ऑन दी ग्रेट पॉपुलैरिटी अनदर इन द म्यूजिकल वे। सो संगीत शकुंतल में अगर हम देखने जाएं तो अन्ना साहेब किर्लोस्कर काफी फेमस थे, ग्रेट पर्सनालिटी थे। और भी बहुत सारे म्यूजिकल प्लेज हुए जिसमें शारदा जो रिटर्न बाय, ये शारदा जो प्ले था ये रिटर्न बाय दी गोविंद बल्लालाल देवाल, ये भी एक इम्पोर्टेंट था। एंड लाइक गर्ल्स की जो मैरिज हो जाती थी, यंग गर्ल्स की मैरिज हो जाती थी एज पर्सन के साथ, उसमें ये बताया गया, एजेड पर्सन के साथ ये रोल्स पे बताया गया था। एंड बहुत सारे रोल्स ऐसे प्ले करके गए थे लाइक दी मुकनायक, ठीक है, जिसे लिखा गया था बाय दी श्रीपद कृष्ण कोल्हटकर, देन संगीत माना माना अपपम, दैट देन इज रिटर्न बाय दी कृष्णा जी प्राभेकर, एंड ऑल्सो दी वी कैन से एक इच्छा पायला लिखा गया था बाय दी राम गणेश गद राकी के द्वारा, ठीक है। तो ये सब कुछ मराठी थिएटर से, जिसमें स्क्रिप्ट पहले बनाया गया था और वो स्क्रिप्ट का नाम दिया गया था और फिर आर्टिस्ट का नाम दिया गया है, ये आपका स्क्रिप्ट हो गया, ये आपके थिएटर के स्क्रिप्ट हो गए, ठीक है, और ये किसने लिखा ये बताया। ओके तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारे रोल्स पॉपुलर प्लेज जो प्ले किए गए थे बाय दी आचार्य अत्रे, दैट इज दी शंखस्तन नमस्कार, देन इज उड़ियाच उड़ियाचा सन सांसर, देन ऑल्सो वी कैन से दी घारा बाहर, घारा बाहर, ये सब आपके मराठी थिएटर में काफी पॉपुलर थे। और धीरे धीरे सारी चीजें डिक्लाइन भी होती, देखो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज काफी पिकअप में रहती है फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। जैसे आप देखने जाओगे कभी कभी जो न्यू म्यूजिक आता है वो ऐसा बूम पीरियड में रहता है, ठीक है, फिर जैसे म्यूजिक का जैसे जैसे आप एक बार 10 बार सुन लोगे फिर थोड़ा थोड़ा क्या होगा, महीने 2 महीने में आपका क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन होने लगता है, आपका वहां से इंटरेस्ट हटने लगेगा। पहले ये सारे थिएटर्स काफी फेमस थे, लोग प्ले करते थे, बट अब धीरे धीरे फिर वो इंटरेस्ट जाने लगा। रिसेंटली जो मराठी थिएटर में जो रोल्स प्ले किया गया था लाइक हिस्टोरिकल थीम्स के बेस पर, दैट इज रायगढ़ ला जेवा जगीते एंड ऑल्सो दी इथे ओ सला मृत्यु बाय दी वसंत कानेटकर, देन इज घाशीराम कोटवाल बाय दी विजय तेंदुलकर एंड ऑल्सो दी तिलक आणि आगरकर बाय दी विश्वराम बेदकर, ठीक है, ये सब कुछ पॉपुलर मराठी स्टेज के, मराठी स्टेज के आप कह सकते हैं पॉपुलर आर्टिस्ट थे जो ये सारे रोल्स को प्ले किए, ठीक है, ये कुछ थीम था और थीम के साथ ये पॉपुलर आर्टिस्ट थे। ओके और भी महाराष्ट्र के काफी पॉपुलर आर्टिस्ट थे लाइक गणपत राव जोशी, नारायण राव राजा राजमश, देन इज पॉपुलर ये लोग पॉपुलरली वेल नोन थे फॉर दी बाल गंधर्व एंड केशव राव भोसले, देन इज चिंतामन राव, देन चिंतामन राव फुल नेम अगर हम देखते जाए तो चिंतामन राव कोल हाथकर, ओके, देन इज गणपत राव भोडस, ये सब रिमेम्बर स्टिल हम रिमेम्बर करते हैं ये आर्टिस्ट को जो काफी फेमस थे और मराठी प्लेस में परफॉर्म करते थे। देखो
ओपन ग्राउंड हुआ करता था, वहां पे स्टेज को बनाया जाता था एंड फिर वो लोग वहां पे परफॉर्म करते थे। आज अगर आप देखोगे तो कैमरा में पहले रिकॉर्ड किया जाता था, फिर अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर रिटेक किया जाता है, फिर जाकर के उस मूवी पूरी बनती है, तब आते हैं। बट पहले आप देखोगे तो ग्राउंड पे ही टोटली परफॉर्मेंस हुआ करता था, ठीक है, ऑन द स्पॉट परफॉर्मेंस हुआ करता था, तो लोग ऐसे इंटरटेन हुआ करते थे पहले। सो ब्रिटिश ने भी काफी बिल्ड किया, ठीक है, ब्रिटिश ने भी हेल्प की थिएटर को बिल्ड करने में। तो कुछ जो फर्स्ट बिल्ड थे, जो क्लोज थिएटर थे, वो प्ले हाउस, रिपन, देन इज विक्टोरिया इन मुंबई, ये सब काफी फेमस थिएटर जो ब्रिटिश के थ्रू ये सारी चीजें बनी थी और फेमस भी थी, ठीक है। बट मराठी प्लेस ग्रेजुअली धीरे 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 डिक्लाइन होते गया, और ये सारे थिएटर्स जो ब्रिटिश ने बनाया भी था और ये सारे जो आर्टिस्ट थे, ये सब भी धीरे धीरे क्लोज होते गए, धीरे धीरे क्लोज होते गए। ओके, तो ये रहा आपका मराठी थिएटर। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करते हैं वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, आपको पूरा चैप्टर नहीं, बट हाँ, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, वो टॉपिक का स्लाइड देखना है, आप वो टॉपिक पे जाए और अपना वीडियोस देख ले। चलो, इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में क्या आया? सिनेमा आया, ठीक है। तो सिनेमा आने से आर्ट एंड टेक्नोलॉजी एक मीडियम यूज बन गया लोगों के बीच में, जहाँ पे आप अभी आप देखते होगे, मूवी जाते होगे, चल रहा भाई सिनेमा हॉल चलता है, थिएटर चलता है, तो वहां पे जाके आप क्या करते हो, तो प्रोजेक्टर पे मूवीज देखते हो, ठीक है। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती गई, टाइम आगे चलता गया, टेक्नोलॉजीज आते गए, तो ये सारी चीजें डेवलप होने लगी। तो आज हम देखने जाएंगे तो वहां पे साइलेंट मूवीज बनती है, मतलब पहले पूरा मूवी बन जाता है, उसके बाद हमें आकर के दिखाया जाता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग हमें आकर के दिखाया जाता है। सो वी कैन सी कि जैसे लाइक एज ऑफ साउंड मूवीज बिगिन, एज ऑफ साइंस, पहले मूवीज में साउंड भी नहीं हुआ करता था, ये आप देख रहे हो, साउंड भी नहीं हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जाता था, फिर उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट में भी थोड़ी साउंड आई, ठीक है, उसके बाद तो आज के डेट में तो मूवीज लाइक HD, 2D, 3D, 7D तक चला गया है, ठीक है, तो ये सारे डी में आजकल चलती है मूवी। ओके, तो द हॉनर ऑफ मेकिंग एंड रियलाइजिंग दी फर्स्ट फुल लेंथ मूवी गोज इन महाराष्ट्र। फर्स्ट फुल लेंथ मूवी जब बनी, वो कहाँ बनी थी? महाराष्ट्र में बनी थी, एंड महाराष्ट्र में इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज को हम देख कहते हैं ना, सपनों की नगरी, ठीक है, दैट इज कि जिनका भी ड्रीम है कि हाँ मुझे इंडस्ट्रीज में जाना है, तो मुंबई इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, मुंबई इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी है इन इंडिया, देन इज मतलब इंडस्ट्रीज बिल्ड है मुंबई में। ओके, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ दी लाइक मदन राव, माधव राव पिटले, देन इज दी पटवर्धन फैमिली, जो कल्याण ऑफ कल्याण, एंड दी हरिश्चंद्र शखरा, एंड ऑल्सो दी भतवा देकर इज वेल नोन, ऑल्सो यू कैन से ऑल्सो नोन फॉर दी सवेद दादा इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन दी इंडियन मूवी। ये सबका रोल इंडियन मूवी में काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक सवेद दादा काफी इंपॉर्टेंट रोल है इनका इंडियन मूवी। पहले के टाइम में जितनी भी एक्टर एक्ट्रेस हुआ करती थी, उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, क्योंकि वो लोग उस टाइम में ना ट्रेनिंग पीरियड में ही थे, ठीक है, सारी चीजें नई नई आ रही थी। और आप देखोगे कि आप काफी चीजें, जैसे आप अपने इंस्टा पे रील्स देखोगे तो रील्स में ही लोग एक्टिंग करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो एक्टिंग नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में एक्टिंग नहीं, एक्चुअल में एक्टिंग क्या हुआ कि आपको स्क्रिप्ट बता दिया, आप उसके थ्रू जा रहे हो, जोन के थ्रू। बट अब आप देखोगे कि सॉन्ग्स आ रहा है और सॉन्ग्स में लोग लिरिक्स गाकर खुद ही फॉर्म कर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो खुद को एक्टर एक्ट्रेस मान रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। ओके, तो आप देखते हैं, अभी देखिए आपने कितने कितने रोल्स इन लोगों का। ओके, ऑल्सो सवे दादा क्रिएटेड साइलेंट मूवीज नेम्ड एज दी लाइक ही ऑल्सो क्रिएटेड दी साइलेंट मूवीज लाइक दी मोनी भाष्मासुर, मोहिनी भाष्मासुर, ओके, देन इज सावित्री, सत्यवाना, ओके, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री मूवीज है जो आपके नासिक के पिलग्रिम सेंटर्स के में बनाया गया है, त्र्यंबकेश्वर के पिलग्रिम सेंटर्स के थ्रू बनाया गया है। तो ये आप खुद ही पढ़ सकते हो कि ये सारी मूवीज थी जो बनाई गई थी, ठीक है, कोई
जो फेमस आर्टिस्ट थे वो उनके थ्रू बनाया गया था, जैसे आपके आनंद राव पेंटर, ये फर्स्ट आप हमारे कहते हैं सीने कैमरा के लिए माने जाते हैं, सबसे पहले फर्स्ट सीने कैमरा ऑफ इंडियन मेक, इंटरेस्ट इज नोन एज, कौन नोन करते हैं, आनंद राव, ओके, एंड ऑल्सो हिज कजिन्स, लाइक उनके कजिन्स बाबूराव पेंटर, वो भी फेमस किस लिए है, नोन फॉर दी मिस्त्री जो साई रंद्री इन दी 1981 में बनाई गई थी, ही मेड दी फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी ऑन शिमगढ़, शिमगढ़ में सबसे पहली हिस्टोरिकल मूवी बनाई गई थी जो साइलेंट वर्ड थे, यहाँ पे साइलेंट वर्ड थे एक्शंस के थ्रू बताए जाते थे, ओके। ऑल्सो दी मूवीज लाइक दी रियलिस्टिक सोशल इश्यूज पे बनाए गए थे, जो सावेकरी पश था, सावेकरी पश 1925 में बालाजी पेंधारकर जो मूवी बनी थी, मूवी बनाई गई थी, ठीक है, ही मेड दी मूवी, टाइटल क्या था, बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी। ऑल्सो हाउएवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी मीडियम दिया जहाँ पे नेशनलिस्टिक मूवी, नेशनलिस्टिक भी बनी और काफी मूवीज फिर बैंड भी हुई, काफी मूवीज भी बैंड भी हुई। मालाबाई वॉज दी फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर, सबसे पहली वुमेन प्रोड्यूसर मालाबाई, इनका पूरा नाम मालाबाई मंगल रुलकर वॉज दी फर्स्ट वुमेन प्रोड्यूसर एंड शी प्रोड्यूस दी सावल्या तंडेल एंड ऑल्सो दी पाना दई, सबसे पहले हिंदी मूवी बनाई गई थी और सबसे पहले ये प्रोड्यूसर, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहीं पे आप बेसिकली इस पे क्या देख रहे हो ना कि नेम है मूवी का और किसने बनाया है ये और कौन सा पॉपुलर है, बस ये आप देख रहे हो, ठीक है। देन इज रामाशास्त्री, रामाशास्त्री अ मूवी मेड बाय दी प्रभात कौल, प्रभात कंपनी इन 1944, अब बिकेम वेरी पॉपुलर। ऑल्सो दी इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल थीम्स पे भी मूवी बनाई गई, आचार्य अत्रे मूवी लाइफ ऑफ दी महात्मा फुले, देन इज विश्वराम बेदकर, इन पे मूवीज बनाई गई थी, ठीक है, मेड मूवीज ऑन द लाइफ ऑफ दी विष्णुदेव बालवत। तो आप देख रहे हो कि जिनके भी बायोग्राफी के ऊपर मूवीज बनाई गई है, बायोग्राफी बनाई गई है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। आप देखते होगे आज के टाइम में जैसे धोनी बनाई गई थी, ठीक है, जब धोनी बायोग्राफी पे बनाई गई थी धोनी, तो MS धोनी मूवी, तो वो भी काफी फेमस हुई, ओके। चलो तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, काफी हिस्टोरिकल मूवीज थी हिंदी में भी बनाई गई थी बाद में, जैसे प्री इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद लाइक सिकंदर, तानसेन, सम्राट चंद्रगुप्त एंड पृथ्वी भल्लाल देव भल्लाल, देन इज मुगल ए आजम पर मेड बाय द हिस्टोरिकल बैकड्रॉप, बैकड्रॉप से बनाया गया था ये सारी मूवीज, देन इज डॉक्टर कोटानिश अमर कहानी वॉज बेस्ड ऑन दी ट्रू स्टोरी, ये ट्रू स्टोरी बनाई गई थी, फिर मूवी बेस्ड ऑन दी इंडियन स्ट्रगल जैसे आंदोलन, झांसी की रानी, ये सब ट्रू बेस्ड स्टोरी थी, ठीक है, ट्रू बेस्ड स्टोरी थी। प्रोड्यूसर स्टूडियोस बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज फेमस था, ठीक है, थिएटर के लिए, एंड ऑल्सो राजकमल प्रोडक्शन आरके स्टूडियो फेमस था, ठीक है, देन इज नवकेतन, ये सब इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है, एंड कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, स्टूडियोज है, ये सब आपको ओके। तो इसमें से जानने वाली कोई बात नहीं, बस नाम है और क्या है, नाम है और क्या है, कहानी तो कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंटरटेनमेंट एंड दी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, इंटरटेनमेंट और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, सबसे पहला टॉपिक है ड्रामा। तो इंटरटेनमेंट में क्या होता है, ड्रामा होता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेज बैकड्रॉप ऑन द स्टेज, डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स आर्किटेक्चर एंड द कंसर्ट पीरियड इनिशियल एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड कैन वर्क एज द डायरेक्टर एंड द कंसर्ट्स,
मतलब कि जब भी हम कोई रोल प्ले करते हैं, ड्रामा प्ले करते हैं ऑन दी स्टेज, तो वहां पे हम क्या रहते हैं, वहां पे हम एक्यूरेसी के साथ हमें रहना पड़ता है। तो अगर हम कोई भी किसी भी फील्ड में हम एक्सपर्टीज है, तो वो एक डायरेक्टर का रोल प्ले करता है, कंसल्टेंट का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ड्रामा में कोई भी लाइक रिशूट नहीं होता है, ड्रामा में एक्चुअल में ऑन द स्पॉट हुआ करता है, ठीक है। आप और सबका अपना अपना रोल रहता है और ऑन द स्पॉट हुआ करता है। स्क्रिप्ट राइटर भी होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर वेल नोन डायरेक्ट डायलॉग्स बनाते हैं, ठीक है। एंड लैंग्वेज के एक्सपर्टीज भी होते हैं, जो आप देखो क्या होता है, जैसे हिंदी की इंग्लिश, इंग्लिश तमिल की हिंदी में कन्वर्ट की जाती है, डब की जाती है, तो ट्रांसलेटर भी होते हैं, ट्रांसलेटर भी होते हैं, ये सबका भी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। लैंग्वेजेस एक्सपर्ट्स, कल्चरल का लैंग्वेजेस एक्सपर्ट्स होना चाहिए, जैसे मराठी की मूवी हिंदी में आएगी तो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कहा जा रहा है ये उन्हें पता होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ड्रामा हो गया, सिनेमा की बात करते हैं, तो आर्ट डायरेक्टर, इसमें भी सेम आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, विद द डिफरेंट डिफरेंट एटमोसफेयर, कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरीज, मेकअप, स्टाइल्स एंड ऑल्सो मूवीज। बहुत सारे स्कॉलर्स हिस्ट्री कैन वर्क ऑन द फील्ड ऑफ आर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंसल्ट। देखो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी क्या है, डायरेक्टर बन सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो, एंड ऑल्सो बैकड्रॉप में जो वर्क होता है वो है एटमोसफियर का, कस्टम्स का, ज्वेलरीज का, मेकअप्स का, हेयर स्टाइल्स का एंड बाकी चीजें का। डायलॉग राइटिंग की जब हम बात करें, तो मूवी में डायलॉग राइटिंग भी होती है एंड नॉलेज भी होता है, कल्चरल नॉलेज होनी चाहिए जिनको, वही आते हैं मूवीज में, ठीक है। स्पोकिंग लैंग्वेज जिनका अच्छा है या फिर वो ट्रांसलेटर है, वही आते हैं इंडियन मूवीज में एंड वी कैन से हिंदी सिनेमास में। ये कुछ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, ओके। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर समाप्त। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो क्वेश्चन है, आपका आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डैश सपोज टू बी द फर्स्ट कीर्तनकर इन द महाराष्ट्र, तो ये है आपके सामने ऑप्शंस, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, ये आपको आंसर कमेंट में। नेक्स्ट इज दी डैश ऑफ दी तन तंजोरे वाज दी ग्रेट पैटर्न्स ऑफ ड्रामा, ऑप्शंस आपके सामने, आपको आंसर कमेंट में देना है, आंसर कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में देना है, मैं देखती हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपका 6th चैप्टर होता है समाप्त, सून आपका चैप्टर नंबर 7 भी आएगा। आई नो ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे बच्चों को टर्म 1 में भी है, बट जहाँ पे हम बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर आएगा। तो जो जिसने भी अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा, आई रियली होप सो कि समझ में तुम्हें आ गया होगा। एंड बार बार अगर तुम इस चैप्टर को पढ़ोगे तो टाइम स्टैम्प का यूज करना, टाइम स्टैम्प जो भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है ऐसा ज्यादा वो टाइम पे क्लिक करना, तो तुम्हारा वीडियो ओपन हो जाएगा, ये टाइम स्टैम्प तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आरंभ बैच क्लास 10, ये बैचेस अपना चल रहा है, लाइव बैचेस इसमें होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस है। अब आप बोलोगे कि मैम कौन से इसमें सब्जेक्ट है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, लाइक साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी, आपके जितने भी इसमें सिलेबस है ये टोटल आपका यहाँ पे कवर हो रहा है। वो बच्चे जो भी अभी तक आरंभ बैच ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना, आपके यहाँ पे लाइव क्लासेस होते हैं, टेस्ट होता है और नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू ही मिलता है। जो भी डाउट आपको रहे आप यहाँ पे लाइव सेशन में रेज हैंड के थ्रू पूछ करके डाउट को क्लियर कर सकते हो। लाइव में आपका ईच एंड एवरी डाउट को लिया जाता है, ठीक है, और हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है। लाइक अगर हम बात करें अभी लाइव सेशंस की, जैसे हम बात करें यहाँ पे आपको लाइव सेशन दिखाएगा, जैसे आज इंग्लिश है, कल हमारे लाइक 11th को हमारा हिस्ट्री होगा, जो आपके 6th चैप्टर मैंने अभी रिकॉर्डेड आपका जो जाएगा ये आपका लाइव है कल। तो जो भी बच्चे को लाइव पढ़ना है वो ज्वाइन कर सकते हैं आरंभ बैच को। फीस अभी जो आपका है आरंभ बैच का लाइक 2500 वीकेंड से, एंड अभी आरंभ बैच पे जो डिस्काउंट है वो है 20% ऑफ का डिस्काउंट आपका चल रहा है आरंभ 20, ठीक है। तो ये कोड का यूज कर सकते हो तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है ये
ऐप को तो आप डाउनलोड कर लो, इजी लर्निंग प्ले स्टोर में भी आपको मिल जाएगा एंड ऐप स्टोर में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपके हर एक लेक्चर लाइव होते हैं, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडी हो गया एंड ऑल्सो आपका इंग्लिश भी। तो जो भी आपको डाउट रहता है आप यहाँ पे बिंदास पूछ सकते हो एंड बाद में आपके टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट में आपके क्वेश्चंस भी चेक होते हैं, तो सारी चीजें यहाँ पे होती है। सो ज्वाइन इट। सो आई रियली होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, ठीक है। तो जो भी बच्चे को लाइव पढ़ना है आराम बैच ज्वाइन कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड सून आपका चैप्टर नंबर 7 भी आएगा, ठीक है। ज्योग्राफी तो हमने कंप्लीट कर लिया है, प्लेलिस्ट में आपका ज्योग्राफी का पूरा ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप जाकर के वहाँ पे पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप देखो इस चैप्टर में ना, अगर मैं बोलने जाऊँ तो समझने वाली चीजें बहुत कम है और नाम ज्यादा है, ठीक है। मतलब नेम्स आर्टिस्ट का, लाइक ड्रामास में कौन सा ड्रामा हुआ था, आर्टिस्ट का नाम, तो ये सारी चीजें बस ज्यादा है, ओके। बाकी ऐसा कहानी ऐसा कुछ भी नहीं है। कहानी अगर आप अभी अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो नेम बस आपको याद करने हैं और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। सो थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन द आरएम बैच एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।